नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न और एक बड़ी बहस का विषय बन गया है कि क्या भारत भी यहूदियों को बसाने का जो इजरायली मॉडल है उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में करेगा। इस बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और आपको भी ये बात जाननी ज़रूरी हो जाती है कि ये इजरायली मॉडल है क्या और क्या इसे जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं। जब से दोस्तों धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, तब से धीरे धीरे वहाँ का जनजीवन ट्रैक पर आ रहा है और घाटी में इक्की दुक्की घटनाओं को अगर आप छोड़ दें तो शांति वहाँ पर बनी हुई है। और इसी बीच भारत के एक राजनयिक है संदीप चक्रवर्ती, जिन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब भारत को भी इजरायली मॉडल पर काम करके कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी सुनिश्चित करनी होगी। और इस बात को लेकर अब एक बहस छिड़ गई है और ये बहस केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी छिड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क में भारत के काउंसलेट जनरल संदीप चक्रवर्ती जी ने एक प्रोग्राम के दौरान ये बात कही थी कि भारत सरकार को ही अब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए इसराइल जैसी नीति को अपनाना चाहिए। जिस कार्यक्रम में वो ये सब चीज़ें कह रहे थे, उस कार्यक्रम में कई हस्तियां भी वहाँ पर थी, इसके अलावा कश्मीरी पंडित भी मौजूद थे। अब आप ये जान लीजिए कि इजरायली मॉडल क्या है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा होती है। दोस्तों, साल 1967 में 6 दिनों तक अरब इसराइल युद्ध में, जिसमें कि अरब देशों की संयुक्त सेनाओं की बेहद करारी हार हुई थी और इसराइल ने मात्र 6 दिनों में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, ईरान, लेबनान, तुर्की इत्यादि देशों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया था और पूरी दुनिया में इसराइल की एक धाक बना दी। इस युद्ध को जीतने के बाद इसराइल ने इजिप्ट से सिनाई क्षेत्र, सीरिया से गोलान हाइट्स जैसे क्षेत्रों को छीन लिया और अरबों के बहुत बड़े भूभाग पर भी कब्जा कर लिया। दोस्तों, युद्ध के नियम के अनुसार युद्ध में जीती गई जमीन जीतने वाले की होती है, इसीलिए इसराइल ने जो जमीन जीती थी उस जमीन पर यहूदियों को बसाने का प्लान बनाया। बता दें कि 1967 के युद्ध से पहले ही वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम पर जॉर्डन का अधिकार था, वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट यानी कि मिस्र का कब्जा था। इस युद्ध के बाद इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रीन लाइन के बाहर के इलाके में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। ग्रीन लाइन के बाहर का इलाका इसराइल की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी था। दोस्तों, युद्ध को जीतने के बाद इसराइल ने ग्रीन जोन के बाहर यानी कि गाजा पट्टी, गोलन हाइट, सिनाई, वेस्ट बैंक जैसे क्षेत्रों में यहूदियों की बस्ती बसाई और इन क्षेत्रों में बसने वाले यहूदियों के लिए विशेष राहत पैकेज लेकर वो आए और उनके लिए घर भी बना दिए गए, उन्हें टैक्स में रियायत भी दे दी गई और उन्हें सरकारी पेंशन भी दी गई। एक रिपोर्ट की माने तो इस इलाके में कुल 132 बस्तियां हैं, 113 आउटपोस्ट हैं जिनमें 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि क्या भारत सरकार भी इसराइल की नीति का अनुसरण करते हुए कश्मीर घाटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर घाटी में बसाने के लिए उनके लिए कोई विशेष पैकेज देने वाली है या फिर उनके अलग कॉलोनियां बनाकर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देकर बसाया जाएगा। दोस्तों, भारत को अब ये रणनीति अपनानी होगी और कश्मीरी पंडितों को उनका हक वापस दिलवाना होगा और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। दोस्तों, ये जो इजरायली मॉडल है वो भारत में इम्प्लीमेंट करना कठिन क्यों है, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि दोस्तों इजरायली एक यहूदी कंट्री है और यहाँ बहुमत भी इजरायली लोगों का है, इसीलिए उनकी सरकार उनके लिए कुछ भी कर सकती है। जबकि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, बहुमत यहाँ पर हिंदुओं का है लेकिन उन्हें दूसरे और तीसरी कैटेगरी का नागरिक समझा जाता है जिनकी सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए दोस्तों इसराइल ने जीते हुए प्रदेशों में भी यहूदियों को बसा लिया, जबकि भारत अपने ही प्रदेश में हिंदुओं को नहीं बसा सकता। दोस्तों, लेकिन अगर हम कुछ मेजर स्टेप्स उठाते हैं विस्थापित कश्मीरियों को वहां पर दोबारा से बसाने के लिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी रणनीति और सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों, कश्मीरी पंडितों को बसाने के साथ ही इनके परिवार में किसी एक या फिर सभी को हथियारों की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अपने परिवार की सुरक्षा कर सके और अपने समुदाय की सुरक्षा कर सकते, वो भी किसी से डरे बिना। ऐसा इसलिए करना चाहिए और ऐसा इसलिए भी करना होगा क्योंकि कश्मीरी पंडितों को एक तो वापस उनकी जो जन्मभूमि है वहां पर तो बसाना ही है, लेकिन उनकी जो सुरक्षा की गारंटी है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि दोस्तों इसराइल में भी गलतियां हो जाती है कई बार। दोस्तों, हमास जब उनके ऊपर अटैक करता है, भले ही इसराइल काउंटर जवाब देता है, लेकिन इसराइल की जो सुरक्षा है वो भी काफ़ी अचूक मानी जाती है, लेकिन उसे भी भेद कर हमास अक्सर
इन बस्तियों पर हमला करता है और जान माल की जो हानि हो जाती है। ऐसे में तो भारत में इनकी सुरक्षा काफ़ी कठिन हो जाएगी। अब दोस्तों, इसीलिए भारत सरकार को इसराइल की नीति का अनुसरण करते हुए कश्मीर घाटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर घाटी में बसाने के लिए कोई विशेष पैकेज तो देना ही होगा। उनकी कॉलोनियां बनानी होंगी, उन्हें भी पेंशन और कुछ जो रियायतें हैं वो भी देनी होंगी, ताकि उन्हें एश्योर किया जा सके कि आप सुरक्षित हैं और आपके ऊपर भी किस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। तो दोस्तों, आपने जाना इसराइली मॉडल के बारे में, किस तरीके से वो अपने देश के नागरिकों के लिए, खास करके यहूदियों को बसाने के लिए उसने जीते हुए इलाकों में उन्हें बसाना शुरू कर दिया, उनकी सुरक्षा की गारंटी पक्की कर दी, और आज आप देख रहे हैं इसराइल किस लेवल पर पहुंच चुका है। क्या ये भारत में नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को भी इसराइली मॉडल को अपनाना होगा जम्मू कश्मीर में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा भी है और एक वैश्विक बहस भी बन गया है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।